thank you गाइज़ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मोम कैंचन सो गाइज यहाँ पर पार्सल आ गए थे कुछ अमेजोन से मैंने ऑर्डर किए थे और कल के ब्लॉग में मैंने जैसे बताया था आपको कि कुछ चीज़ें आने वाली है जो मैंने ऑर्डर कर रखी है उसको भी आपको दिखाने वाली हूँ तो वो इनमें से ही कुछ चीज़ें हैं वो आपको दिखाने वाली हूँ मैं और हाँ बस इसका पेमेंट करना है और इसको यहीं पे रख दूँगी सैनिटाइज़ होने के लिए मतलब ऐसे ही सैनिटाइज़ करके छोड़ दूँगी यहाँ पे क्योंकि ऐसे मेरे पार्सल जब आते हैं ना तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ सैनिटाइज़ होने के लिए और फिर दिन भर सैनिटाइज़ होते रहते हैं मतलब सैनिटाइज करके छोड़ देती हूँ ऐसे ही धूप में और उसके बाद रात को घर के अंदर लेके आती हूँ तो बस यहाँ पर कर रही हूँ इसका पेमेंट और मेरा कैश पेमेंट कभी नहीं होता है क्योंकि घर पर कैश ही नहीं रहता है मैं ऑनलाइन ही पेमेंट करती हूँ बस यहाँ पर पेमेंट कर दूँगी और ये नाइन थाउजेंड का हुआ था मतलब सारी चीज़ें तो आ, इस वजह से मैंने वो पेमेंट कर दी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन रुपीज़ का ये मतलब सारे पार्सल हुए हैं और यहाँ पर ही छोड़ दूँगी ये सैनिटाइज करके और बस बाकी के काम करूँगी तो यहाँ पर क्लीनिंग चल रही है तो ये वाला पोर्शन क्लीन हुआ ही नहीं था क्योंकि एक एक की बारी आ रही है तो यहाँ का सब कुछ क्लीन कर लूँगी ये जो आपको एक्स्ट्रा गत्ते दिख रहे हैं तो ये भी ऊपर लेके जाऊँगी मतलब जो जहाँ पर रखना है वो चीज़ें वहाँ पर रखूंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं था कि मेरी मशीन ख़राब हो गई है उषा की जेनोम मशीन है मेरे पास तो वो मशीन ख़राब हो गई थी तो वो रिपेयरिंग के लिए डाली थी इन्होंने तो वो आ गई थी वो येलो वाले बोरी में वही है तो उसे रख दूंगी अपनी जगह पे उसे निकाल के और अच्छे से रख दूंगी अपनी जगह पे और उसके बाद अभी यहाँ पर मैं सजा रही हूँ ये पॉट मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से ही तो इस पॉट को लगाने का टाइम आ गया है इसमें ना मैंने स्टिक्स ऑर्डर नहीं की है या मैंने बाहर जाके ये भी स्टिक्स परचेस नहीं की है तो इसी वजह से सिर्फ अभी पॉट पॉट ही रखने वाली हूँ एक मेरे पास पुरानी फ्लॉर की स्टिक है वो इसमें डाल दूँगी और बस अच्छा लग रहा है ये पॉट थोड़ा सा महंगा लगा मुझे क्योंकि अभी इसके साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि वो बहुत बड़ा आएगा बट जब रिनोवेशन चल रहा था तो इतना ध्यान भी नहीं दिया और जब मैं अभी देख रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटा है ये प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं मतलब अगर मैं मार्केट से लेती तो मुझे और सही प्राइस में मिल जाता थोड़ा सा बड़ा भी मिल जाता और सही प्राइस में भी मिल जाता इसके प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा है कि ये वर्थ बाइंग है बट क्या करें अभी उस टाइम ध्यान देना नहीं हुआ तो इसीलिए नहीं तो मैं क्या करती हूँ आपको तो पता ही है जैसे ही पार्सल आता है थोड़ी देर रखती हूँ सैनिटाइज होने के लिए और खोल के देख लेती हूँ कि कैसा आया है डैमेज तो नहीं आया है तो इसीलिए अभी वो देखना नहीं हुआ इसीलिए ये ऐसे पछतावा हो रहा है मुझे तो यहाँ पर ना दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि उसकी साइज़ कम है प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं कुछ ऐसे मशीन आ, आ, ऐसे कपड़े थे उसमें कि ये क्लीनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे और आप पानी देखो कितना ज़्यादा गंदा निकल रहा है तो चलो कोई बात नहीं इसे तीन चार बार वॉश करना पड़ा था मुझे तो इसे मैंने तीन चार बार वॉश किया था मतलब एक बार तो सर्फ डाल के पहले एक बार दूसरी बार सर्फ डाल के और उसके बाद फिर बाद में ऐसे ही सिंपल पानी से तो यहाँ पर बस ये फ्लावर पॉट वगैरह पे बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई थी और यहाँ पर कलर देखो ये स्टिक का कलर देखो बहुत ज़्यादा मैला हो गया है तो इसे पे मुझे वॉश भी करना है और यहाँ पर ये मैच भी नहीं हो रहा है तो ये स्टिक मैं और कहीं रख दूँगी बट फिलहाल मैं इसी जगह पर रख देती हूँ और ये स्टिक वॉश कर देती हूँ स्टिक का कलर वॉश करने के बाद देखना कितना सुंदर लगेगा तो ये फ्लावर पॉट मैंने यहाँ पर रख दिया है और अब स्टिक वॉश कर रही हूँ ना ज़्यादा मतलब इसे रगड़ना नहीं पड़ता है नहीं तो फिर फूल जल्दी से टूट जाता है इसके मेरे भी दो चार टूट गए थे इसमें से बट इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया मतलब थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही टाइम लग गया इसे वॉश करने में थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से वॉश करना पड़ता है थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल दिया एक एक फूल को वॉश किया और उसके बाद आप देखो नीचे मैंने थोड़ा सा सर्फ का पानी बना लिया है और ऐसे ही करके मैंने वॉश किया है ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है मैं मतलब ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बट हमें हल्के से करना पड़ता है मतलब सिर्फ ऐसे रगड़ के वॉश करना पड़ता है नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रश से या किसी चीज़ से वॉश करोगे नहीं से तो बहुत जल्दी उसके फूल निकल जाते हैं और उसके बाद फिर कुछ ही फूल लगे बाद में बाकी के फूल तो मुझे फेंकने पड़े तो ऐसे करके ज़्यादा मैं वॉश भी नहीं करती हूँ बट तो अभी वो गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था ना तो इसी वजह से वॉश करना पड़ा नहीं तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है अगर चार पाँच महीने भी इसे वॉश नहीं करो तो गंदा नहीं होता है ये अभी धूल बारीक धूल जो है वो सभी जगह पे बैठी है जैसे कि वॉल पे ही तो बहुत ज़्यादा बारीक धूल है तो वही हमें एक एक जगह मैं जैसे क्लीन कर रही हूँ ना तो वॉल की धूल भी निकाल रही हूँ वॉल पे भी बहुत ज़्यादा जैसे दिवाली आ गई है मेरे घर पे ऐसे क्लीनिंग चल रही है मेरी बट क्या कर सकती हूँ ऐसे गंदगी में रहा भी नहीं जा रहा है तो इसीलिए ये रख दूँगी अभी धूप में सुखाने के लिए और अर्ची खासी धूप भी थी आज इसी वजह से मैंने सुखाने के लिए रख दिया और इससे पहले भी मैंने ये गोल्डन पॉट मतलब जो फ्लोर पॉट है वो वॉश किया था अच्छे से ऐसे ही सेम तो वो भी यहाँ पर रखा हुआ है और ये भी और एक किचन का भी मुझे क्लीन करना है वो तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया तो उसके बाद मैंने किचन का क्लीन किया था और बस यहाँ पर ये जो फूल टूटे हुए थे वो भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे बाद में मैंने वो भी लगा दिए थे तो यहाँ पर वही लगा दूंगी अभी स्टिक कर दूंगी फूल और जो नहीं लगेंगे ना तो वो रहने दूंगे और आजकल ना क्लीनिंग क्लीनिंग के चक्कर में इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है कि आपको क्या ही बताओ डेली सोचती हूँ कि नहीं यार रहने देती हूँ अब अब नहीं हो रहा है मुझसे बट जब मैं मैज देखती हूँ ना तो फिर और एनर्जी में काम करने लग जाती हूँ कि चलो नहीं यार ये काम करके ख़त्म ही कर देते हैं सारा अब बट इतनी बारिक धूल है कि आपको क्या ही बताओ मतलब आपको अगर करना है ना तो एक साथ ही काम करना मेरी तरह ऐसे डिस्टर्ब मत हो जाना बीच में क्या कर सकते हैं थोड़ा सा पैसे का भी प्रॉब्लम होता है एक साथ नहीं कर पाते हैं हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाते जैसे कि घर बनाने के टाइम पे ही सारा कुछ नहीं हो पाता है तो इसीलिए धीरे धीरे सब कुछ करना पड़ता है और ऐसे करने के चक्कर में फिर थोड़ी सी हालत खराब कर लो और हाँ किसी को बोल भी देती है आप लोग बोल रहे हो कि नहीं आपने आ, कोई हेल्पर रखनी चाहिए करने के लिए लेकिन क्या है कि मैं उसके पीछे नहीं रह सकती हूँ डियर इसकी वजह से ना मतलब खुद करने का मन करता है कि नहीं मैं उसके पीछे नहीं रह सकती हूँ कि ये ऐसा करो वैसा करो उससे अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ क्योंकि उतना तो टाइम मेरा वेस्ट हो ही रहा है उनके चक्कर में क्योंकि उनको तो पता नहीं है मेरे घर की चीज़ कौन सी कहाँ है और कौन सी चीज़ मुझे कहाँ लगानी है तो इसी चक्कर में ऐसा हो जाता है कि मैं किसी की हेल्प नहीं ले पाती हूँ तो और हम जितना हमारे घर को क्लीन रखेंगे ना मतलब हम जितना अच्छे से करेंगे या क्लीन रखेंगे उतना और कोई नहीं करेगा मतलब बस करने के लिए करेगा और छोड़ देगा तो यही होता है प्रॉब्लम मेरे साथ मैं नहीं कर पाती हूँ किसी के हाथ का मुझे नहीं पसंद आता है तो यहाँ पर देखो ये भाई आ गया था मेरा थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो गया था कैमरा की सेटिंग बिगड़ गई थी और मुझे नहीं समझ में आ रही थी तो इसी वजह से वो फ्रेंड को लेके आ गया था उसके और वो सेटिंग करके दे रहा है अच्छा से बाय बाय तो भाई को शू पहनने के लिए टाइम लगता है बाय बाय चलो

और यहाँ पर वहाँ का तो मेस थोड़ा सा मैंने समेट लिया स्टोर रूम का बट यहाँ पर मेस हो गया है ये जो ऊपर का कैबिनेट है उसमें से मैंने सारी चीजें निकाल दी है और यह भी च, अच्छे से क्लीन करके और अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके लगानी है और जो जो, जो चीजें मुझे सामने चाहिए वो वो चीजें मुझे यहाँ पर रखनी है तो इसीलिए ये कैबिनेट खाली कर दिया है ये नई चीज़ आई है हमारे घर पे आज चलो आ जिसकी काफी दिनों से जरूरत थी मुझे हाँ तो, क्योंकि माही माही की फेवरेट चीज इसी में बन सकती है हाँ, और सारे लो की चीज़। हाँ वही तो है हाँ हाँ वो दिखा दूंगी बाद में मैं आपकी वॉच भी हाई नहीं आ ये देखो ये है माही का फेवरेट आइटम जो कि है सैंडविच मेकर ग्रिल सैंडविच मेकर अभी माही बहुत सारे ग्रिल सैंडविच खाएगी इसमें बना बना के अरे काफी दिनों से बड़ी चाहिए बड़ी था मेरे पास वो सादा वाला था बट आ? है हाँ अरे वो नॉन स्टिक वाली वो है ना क्या बोलते हैं तो प्लेट है उसकी इसमें चीजें नहीं रहती है इसमें सिर्फ वही रहता है बेटा वो प्लेट ही रहती है सैंडविच बनाना पड़ता है उसमें उसमें रेडीमेड सैंडविच थोड़ी ना मिलता है देखो, अभी देखो ये वाली चीज है नई चीज आ जाई है घर में यहाँ पर सेटिंग वगैरह है मैं सीख लूंगी एक बार फिर आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे कैसे बनता है क्या क्या, क्या चीज है इसमें नहीं। 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 मतलब फंक्शन कैसे है सारी चीजें पिस्ता चिकन कहाँ खाए आपने फिश खाई है उसके बाद पिस्ता खा रहा है लुक तो है ही और अभी देखेंगे ना फंक्शन कैसे है क्या है मैनुअल पढ़ के चलो अच्छा है ना फिर आप अभी सैंडविच <laughs> ही खाना ग्रिल वाले वही बना के दे दिया करूँगी अभी मैंने ये जो स्पाइसेस लाए थे इन्होंने वो बच गए थे तो उसमें से काफ़ी सारे अच्छा। लेके आए थे यार ये मैंने थोड़े थोड़े बताए थे इनको मुझे भी थोड़ी आइडिया नहीं थी तो इसी वजह से मैंने थोड़े थोड़े बताए थे काफ़ी सारे बच गए थे तो इसी वजह से वो क्लिप निकाल रही हुई एक 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 पैकेट्स रख दिए थे मैंने और अभी ये इसमें लगा के रख रही हूँ क्योंकि ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं मुझे सारी चीज़ें तो इसी वजह से और यहाँ पर ये है सैंडविच मेकर अभी हाँ इसे अनबॉक्स तो कर लिया हाँ रख दो अभी जब अभी हाँ जब जब मुझे लगाना होना तो अभी पूरा क्लीन करना है मुझे किचन वगैरह पूरा अच्छे से यह करना है इसके लिए जगह बनानी है और उसके बाद मैं इस इसमें सैंडविच बना बना के खिलाऊंगी इन सबको ग्रिल सैंडविच अरे काफ़ी दिनों से मन था मेरा ग्रिल सैंडविच मेकर होना चाहिए हाँ 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 बनाना आता है मुझे अच्छा चलो अभी रख दो बस इसीलिए ओपन करने के लिए बोला कि ये टूटा हुआ तो नहीं आया या मतलब रिटर्न करना है या क्या है डैमेज वगैरह प्रोडक्ट आ सकते हैं तो इसी वजह से बट ऐसे प्रोडक्ट मुझे तो नहीं लगता डैमेज देंगे वो क्योंकि आ, क्या होता है कि ये इतने महंगे प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है थोड़ा सा जैसे कुरियर बॉय और वहाँ पर जो एक गुडाउन में आता है तो वहाँ पर भी आ, जैसे फेक फाक होती है तो इसी वजह से हो सकता है थोड़ा सा डैमेज दे, इसीलिए देख लिया पहले और अभी तो पता चल गया ना प्रोडक्ट अच्छा है करके तो अभी रख देंगे जब मुझे सजाना हो लगा दूंगी मैं अच्छे से किचन में हे गुड मॉर्निंग गाइज अभी भी मैंने अपनी चाय फिनिश की है सुबह की और कल रात को ना मैं ब्लॉक को एंड करना ही भूल गई मतलब इतनी ज़्यादा थक गई थी टैबलेट ली मैंने एक और सो गई मतलब अभी टैबलेट लेने के लिए मुझे मना कर रही है स्ट्रिक्टली मना कर दिया है टैबलेट लेने के लिए बट कल मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे खड़े रह के ही सारे काम करने पड़ रहे ना खड़े रह के सारे इतने देर तक खड़े रहना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैर दर्द करते हैं तो कल रात को मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और मैंने बोला कि चलो मुझे टैबलेट लेने दो आज के दिन बट टैबलेट ली और सो गई तो इसी वजह से ना एंड करना भूल गई थी तो इसीलिए अभी एंड कर रही हूँ ब्लॉग को चलिए फिर गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप गाइज़ ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाते हो लाइक करने के लिए भूल जाते हो और उसके बाजू में जो बेल बेलाइकॉन आएगा उसे दबाना मत भूलेगा उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बेलाइकॉन आता है उसकी बात कर रही हूँ और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना चलिए फिर बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय ध्यान रखना अपना